अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको ज़ीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप कौन कौन सी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट अलोंग विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ इकट्ठे रिलेट किए गए हों, एक दूसरे के साथ जोड़ के लिखे गए हों, उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, एन एक्सप्रेशन दैट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट coefficients along with arithmetic operations is known as algebraic expression. इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, 3x प्लस 4 माइनस जी। इसमें वेरिएबल आ गया जी x और z, कांस्टेंट आ गया 4 और 3 आ गया कोफिशिएंट, और 4 और 3x के दरमियान में प्लस का साइन और 4 और z के दरमियान में माइनस का साइन, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो इनको रिलेट कर रहे हैं। तो इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने मिलके क्या बना दी है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, 4x² माइनस 9x प्लस 7। अब ये भी क्या है जी, x² वेरिएबल एक ही है, उसकी पावर 2 है, इधर 2 है पावर, इधर 1 है, तो ये वेरिएबल x आ गया, 4 और 9 कोफिशिएंट आ गया और 7 जो है कांस्टेंट आ गया, 9x और 7 के दरमियान में प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेशन है, 4x² और 9x के दरमियान में माइनस का अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो इन्होंने आपस में मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितनी टाइप के होते हैं। Types of algebraic expression. ये जो इसकी डिवीजन है ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स है। सबसे पहले आती है जी मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप जिसमें एक टर्म होती है उस टाइप को मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स only one term, उसको क्या बोलते हैं, monomial algebraic expression। इसकी example है जी 4x 7z 9u 10w, तो ये सारी की सारी examples जो है monomial
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म आ रही है, दो टर्म्स नहीं आ रही। इसके बाद आती है जी बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स, तो इसकी एग्जांपल है जी थ्री एक्स प्लस टू, फोर वाई माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन। तो वो एग्जांपल्स, तो वो तमाम की तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स जिसमें दो टर्म्स होंगी उसको बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद आ जाती है जी पॉलीनोमियल, पॉली का मतलब है बहुत से पार्ट्स जुड़े हुए हों, तो पॉलीनोमियल का मतलब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन टू अलजेब्रा, विद मोर देन टू टर्म्स, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब इसमें दो से ज्यादा टर्म्स हैं, तो इस एग्जांपल में ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इस एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, या पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, पॉलीनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अकॉर्डिंग टू टर्म्स कौन सी टाइप्स होती हैं, और इसमें हमने देखा कि तीन टाइप्स हैं जिनमें मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलीनोमियल जो है वो तीन डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।